अस्सलामु अलैकुम, डॉली की किचन में वेलकम। तो हम ले आए हैं आज नई रेसिपी, उसका नाम है स्पैगेटी पास्ता। ये बहुत अमेजिंग होती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पानी को बॉईल करने रख दिया है, इसमें एक चम्मच ऑयल डाल देना है और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाल देना है। फिर इसको बॉईल करने रख देना है, इसमें जब अच्छा सा बॉईल आ जाए, जब हम इसके अंदर स्पैगेटी ऐड करेंगे। तो ये हमारी स्पैगेटी पास्ता हमने ले लिया, और ये अनसॉल्टेड बटर, आप चाहें तो सॉल्टेड भी ले सकते हैं, बट हमने इसके अंदर अनसॉल्टेड लिया है। और ये चेरी टमेटोज और ये कैप्सिकम। स्पैगेटी आपको कहीं भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी। तो आप देख सकते हैं पानी में अच्छा बॉइल आ गया है। तो हमने स्पैगेटी को ओपन करके इसमें ऐड कर देंगे बॉइल होने तक। आप चाहें तो स्पैगेटी को पूरा भी ऐड कर सकते हैं, और इसको बीच में से तोड़ कर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पूरा ऐड किया था। तो इस तरीके से हमने पूरा स्पैगेटी को ऐड कर दिया, और जब ये बॉईल हो जाती है तो खुद इसके अंदर चली जाती है पूरी। तो ये धीरे धीरे खुद ही इसके अंदर चली जाएगी। तो हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इसकी जो वीडियो है, होम टूर है, आपको जल्दी मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में ही। तब हम इसको बॉईल होने देंगे। अपने वेजीज को अब कट कर लेते हैं। तो वेजीज में जो हमने ली चीज़ें हैं, ली हैं, मैंने ली हैं चेरी टमाटो, कैप्सिकम और सम गार्लिक क्लोव्स। अब हम जल्दी जल्दी इसको कट कर करके बारीक बारीक कट करना है हमने गार्लिक को। गार्लिक ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि गार्लिक से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसको ऐड करना ज़रूर। कैप्सिकम को हमने बीच में से दो टुकड़े करके छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेना है। कैप्सिकम हमारी कट हो चुकी है। अब हम चेरी टमाटोज को बीच में से दो करके अलग कर देंगे। ये बहुत खट्टे होते हैं, टैंगी होते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है स्पैगेटी में। आप स्पैगेटी देख सकते हैं बॉईल हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडे पानी से एक बार वॉश कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। ठंडा पानी इसलिए डाल दें ताकि अलग अलग हो जाए। अब मैं अपनी गैस को ऑन करके एक नॉन स्टिक पैन रखती हूँ। अब हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे ताकि बटर जो है हमारा वो जले ना। बटर हमारा हो चुका है। अब हम इसके अंदर गार्लिक जो हमने कट किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसको एक दो मिनट ही फ्राई करना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और ये जले भी ना। हमने इसके अंदर शिमला मिर्च को शामिल करना है, और जब तक फ्राई करना है जब तक इसकी जो स्मेल है वो निकल ना जाए। शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चेरी टमाटोज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस पैकेट एकदम खिली खिली हो रही है। तो हमने चेरी टमाटोज को दो तीन मिनट के लिए ही इसके अंदर फ्राई करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने फौरन से आपने इसके अंदर स्पैगेटी पास्ता अपना ऐड करना है, और अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
स्पैगेटी को ज़्यादा तोड़ना नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप तेज़ चलाएंगे तो ये टूट भी सकती है। अब हमने इसके अंदर जो पिज़्ज़ा की सीजनिंग होती है ऑरिगेनो सीजनिंग, हमने वो शामिल कर देनी है। और ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऑरिगेनो सीजनिंग लिया है, मैंने दोनों शामिल कर दिए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर केचप भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐड नहीं किया, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं ये। और मैं इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से भूनना है, इस पर थोड़ी देर पकाना है धीमी आँच पर, और ये बन करके बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी है स्पैगेटी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको रेसिपी को अपने घर पे, और ये वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।